की दर्दनाक मौत हो गई, और ये एक टीचर का शिक्षक के नाम पर इतना बड़ा कृत्य है। कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता किसी का भी इस पर कोई बयान नहीं आया। श्रीमान मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने 5 लाख रुपए का आश्वासन देकर उनको कर दिया। इससे पहले कन्हैया लाल हत्याकांड आपने राजस्थान में देखा, उसमें 1.5 करोड़ रुपए बाहर से अदर पार्टियों से भेजे गए, 50 लाख रुपए गहलोत सरकार ने उनको मुआवजा दिया, दो दो उसके परिवार को सरकारी नौकरियाँ दी। जब उनको 2 सरकारी नौकरियाँ, वो भी एक आम मर्डर है, ये एक मासूम बच्चे पर अत्याचार है बहुत बड़ा, उनको कोई कुछ नहीं, उनको 5 लाख रुपए मुआवजा, उसको 50 लाख रुपए मुआवजा, उनको 2-2 नौकरियाँ। ये जो जातिगत अत्याचार है, वो जो घड़ा बनता है उसको भी एक कुमारी बनाता है, वो भी एक शूद्र बनाता है, उसको भी वही पैरों से घूमा जाता है, पी लेंगे गोबर से करेंगे, लेकिन एक इंसान से इतनी स्वाजात, इतनी जातिवाद आज भी हमारे देश में है, ये खत्म होना चाहिए। ये कांग्रेस सरकार को, प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए। लेकिन सर, पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे हिसाब से, मेरी सोच से, दलितों के हिस्से में मृत महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव नहीं है, ये मृत महोत्सव है हमारे लिए। जब हमें आज़ादी नहीं है, हमारे बच्चों को मटका छूने पर मार दिया जाता है, कहीं बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं किस तरह की जातिवादी घटना जगह जगह सुनाई देती है, तो हमारे लिए कोई अमृत महोत्सव नहीं है, हमारे मृत महोत्सव है। आज़ादी भारत को मिली है, आज़ादी दलितों को नहीं मिली है। आज़ादी जो है भारतवर्ष देश को मिली है, लेकिन आज़ादी दलित समाज को नहीं मिली है। आज भी उनसे इतना छुआछूत, भेदभाव हर जगह किया जा रहा है। ये बहुत ताज़ा उदाहरण है कि 9 साल का मासूम बच्चा क्या सोचता होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं, तो शिक्षा दी जाती है विकास करने का, दिमाग का विकास करने का जानकारी होती है, जातिवाद नहीं होता स्कूलों में। देख रहे हैं जो प्रिंसिपल है, जो खुद स्कूल संचालक है, तो संचालक होते हुए इस तरह की घटना को वो खुद अंजाम दे रहा है कि मटके को अगर कोई दलित बच्चा पानी पीने के लिए छू ले रहा है तो उसे जान से मार दे रहा है, तो फिर उसकी मानसिकता सोच कैसी रही होगी। और उस पर भी लोग ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चे ने कोई मटका नहीं छूना चाहिए था। वो कौन लोग हैं? वो भी ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। एक भी कांग्रेस किसी प्रवक्ता का बयान नहीं आया, माननीय श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्या उनको इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? क्या हमारी पार्टी की सरकार में इस तरह से ये काम हुआ है? ये दुखद है, ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का काम जातिवादी नहीं होगा, आरोपी को फांसी होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं जो हो रही है दलितों के साथ में, तो इन्हें कब मिलेगी आज़ादी? दलितों को आज़ादी एक बाबा साहब संविधान के तहत ही मिलेगी, और अपने संघर्ष के बलबूते मिलेगी। जब तक हम अपने संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे, हम मर मिट भी जाएंगे, लेकिन अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे बराबर। हम जी जान से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अधिकारों को छीन ना पाए। जो हमारे अधिकारों पे डांका डाला जा रहा है, जो आरक्षण का रोना रोते हैं रोज, वो जातिवादी ये व्यवस्था क्यों नहीं खत्म करते? क्यों भाईचारा कायम नहीं करते? संत अमूलक समाज की जो स्थापना है वो क्यों नहीं करते? जिस तरह से संविधान से सबको बराबर का अधिकार है, उस पर क्यों नहीं चलते? लेकिन जो स्कूल कॉलेज हैं हमारे देश के, वहाँ पर लगातार ऐसी घटना आ गई है 3-4 साल में, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो। इस घटना का रीज़न ये है, लोगों की जो सोच है, जितने भी विदेशी मूल आक्रमणकारी यहाँ लोग बताते हैं, आज जो मौजूदा केंद्र सरकार भी है या ये सरकार भी है, कि विदेशी ऐसे आए, उन्होंने हमें इस तरह से छल करके मारा, इस तरह से धोखा दिया। जब तक हम शिक्षा के मंदिर को नहीं जाएंगे, तो स्कूल में तो जा रहा था बच्चा इंद्र कुमार, स्कूल में जा रहा था, लेकिन उस बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने कहाँ दे रहे हैं? ये लोग आज भी धर्म आस्था के नाम पे गोबर खाते हैं, लेकिन इनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए धर्म आस्था महत्वपूर्ण है। हमारा देश इसलिए आज भी पीछे है इतना कि विदेशों में देखिए, उनकी शिक्षा जो है, उनका शिक्षा का स्तर इतना ऊँचा है कि वहाँ पर इंसान इंसान बराबर है, इंसानियत बराबर है। वो पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हैं और वो टेक्नोलॉजी पर जोर देते हैं। हमारा समाज टेक्नोलॉजी पर कम, राफेल लड़ाकू विमान भी आएगा तो उस पर हम नींबू मिर्च लटका के वो झुनझुना दिखाते हैं। तो अच्छा, क्यों ये आस्था बड़ी चीज़ है? आस्था बड़ी चीज़ है, शिक्षा ज्ञान विज्ञान बड़ा नहीं है यहाँ। यहाँ लोगों की सोच में आस्था बड़ी चीज़ हो रही है। और अगर ये आस्था इतनी ही बड़ी होती तो इतने अंग्रेज आए, इतने विदेशी आए, जब वो आस्था वाले हमारे वो कहाँ थे लोग? मोदी सरकार तो नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही फिर ये? अब मैं मोदी सरकार का भी कहना चाहूँगा, 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने कन्हैया लाल जी के परिवार को पहुँचाया। कपिल मिश्रा जी ने 1.5 करोड़ रुपए उनके घर पहुँचाया। तो इस बच्चे के लिए भी सोचना चाहिए था, जो गरीब बच्चा उस पर इतना अत्याचार हुआ है, उसके माँ बाप की क्या हालत रही होगी कि जो एक मौत का मुआवजा भी जाति देख कर दिया जाता है। हाँ, जाति देख कर विशेष दिया जा रहा है। हाथस कांड आपने देखा उत्तर प्रदेश में, मनीषा वाल्मीकि के साथ पहले उसके परिवार को मारा, उनके घर वालों को मारा। कुलदीप सेंगर का मामला आप देख लीजिए, जिस विधायक को कोर्ट
अपराधी घोषित कर चुका था, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है ना, राजस्थान में कांग्रेस, ये सब दोनों एक नागनाथ और एक सांपनाथ, एक नागनाथ और एक सांपनाथ, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पर प्रियंका तो दलितों को न्याय दिलवाने के लिए जाती है हाथरस, अब कहाँ जा रही है, अब कहाँ बोल रही है प्रियंका? अब प्रियंका का कोई ट्वीट आया, उसकी पार्टी का कोई आया कि हाँ जी ये हमारी सरकार में जो है, हमारी जो कांग्रेस सरकार है वहाँ पे अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और आरोपी टीचर को फांसी होनी चाहिए, क्या उनका कोई इस तरह का बयान है? लेकिन राजस्थान में जो पुलिस प्रशासन है जालौर का, काफी लाठीचार्ज किया है पीड़ितों पे उन्होंने, जो हम गए थे वहाँ पर अंतिम संस्कार में भी, अंतिम संस्कार में जो उनके लोग पहुँचे हैं, समाज के लोग पहुँचे हैं, आसपास गाँव से क्षेत्र से भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमारे युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के जो लोग वहाँ पहुँचे, सब पे लाठीचार्ज किया गया। लड़के की जो बच्चा है उसके बाप के भी हाथों पे पैरों पे चोट आई, उसकी बुआ ताई चाचियों से तो डेड बॉडी जब छीनने का प्रयास किया गया, उन्होंने विरोध किया, विरोध पे प्रशासन ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। बहुत ऐसी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने वहाँ इतनी तानाशाही दिखाई है। इधर बीजेपी सरकार ने हाथरस में एक कांड दिखाया, उधर उन्होंने वो दिखाया। अभी आप यहाँ पे हैं, यहाँ भी डिटेन कर लिए गए हैं युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता, यहाँ पे भी उनको विरोध प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया गया, उनको अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी आवाज़ को लोकतंत्र में संविधान को दबाया जा रहा है, संविधान की आवाज़ को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, कुछ समय बाद चुनाव आ रहे हैं तो उसका नतीजा कांग्रेस वहाँ भुगतेगी। देखिए ये तो सदियों से चला आ रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। जो खत्म कैसे होगा? खत्म तो ये तभी होगा जब इनके लोगों की मानसिकता बदले, इनकी सोच बदले, ये अपने आप को इस लेवल पे लेके चले। हमारा देश कैसे आगे होगा? वो आगे होगा विज्ञान से, सोच से, ज्ञान से। लेकिन ये ज्ञान रखते हैं अपना सिर्फ राजनीति व्यापार बनाने में, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, एक हर पार्टी ने अपना एक धर्म, एक बिजनेस बनाया हुआ है। जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, बहुजन लोग हैं, बहुजन दल हैं, ये मजदूरी करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, वो अपने अपने पैसे चंदा इकट्ठे करके जब जाते हैं, हमारा कोई उद्योगपति नहीं है। आपने कोरोना काल में भी देखा। लेकिन सर जो 131 दलित सांसद हैं देश में, बहुत सारे विधायक भी हैं, वो भी कुछ मदद नहीं कर रहे इस मैटर में। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, बाबा साहब ने संविधान में यही प्रावधान रखा था कि ये जो 131 दलित ST MLA जो होंगे, जिस MP, ये जब चाहेंगे उसकी सरकार गिरा देंगे जो हमारे समाज पे इस तरह से अत्याचार करेगा। लेकिन जब ये ही कठपुतली हो रहे हैं अपना पेट भर रहे हैं समाज के नाम पे, कलंक है। कठपुतली किसके हैं ये? जिस अलग 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 पार्टी के हो रहे हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। अभी वहाँ राजस्थान में एक मेघवाल जी हैं, कोई विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया, मात्र 5 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, जबकि वहाँ पे समाज के बहुत, बहुजन समाज के, SC समाज के लोग वहाँ बहुत विधायक हैं। अगर वो सारे इस्तीफा दे तो कांग्रेस सरकार गिर जाएगी।